देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में बिहार का नंबर चौथा है। बिहार से ऊपर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी का नाम आता है। माना जा रहा है यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के दोनों बड़े गठबंधनों के बीच चुनावी माइलेज हासिल करने की होड़ नजर आती है। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था। 16 मार्च से अब तक पीएम मोदी ने बिहार में 10 रैलियां की और एक रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 रैलियों को संबोधित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में 4 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, 20 मई यानी सोमवार को जब लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में देश की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इनमें बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी तब बिहार की धरती पर होंगे, पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गए हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है चारों तरफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7वीं बार बिहार आ रहे हैं, 100 बार भी बिहार आ जाएंगे कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता ने सबक सिखाने का इस बार मन बना लिया है और तेजस्वी यादव जी के रोजगार शोर के आगे प्रधानमंत्री जी का कोई जोर नहीं चल रहा है। इसलिए बिहार में इस बार जो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। सिर्फ किशनगंज सीट ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2019 में 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिहार में एनडीए की सीटों का ग्राफ कहीं बड़ा था। दिलचस्प है कि पूरे देश में एनडीए के खाते में आई सीटों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। ऐसे में 2024 के चुनावी पटल पर एक ओर एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी 2019 से आगे की ओर यानी क्लीन स्वीप की ओर देख रही है, तो इंडिया गठबंधन की रणनीति बीजेपी को बिहार में रोकने की है। तेजस्वी यादव ने 5 मई तक 100 जनसभाओं का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक बिहार में सिर्फ एक जनसभा को संबोधित किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 रैलियां की हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के भीतर आरजेडी बड़ी भूमिका में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बिहार से राहुल गांधी की दूरी समझी जा सकती है। लेकिन अगर बिहार के प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पूरा जोर लगा रखा है।